हेलो दोस्तों, वेलकम टू सुलमंत्रा। मैं हूं अनुपम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों जितने भी टॉपिक होंगे हमारे, जितने भी एग्जाम होंगे, उनका मैं चैप्टर वाइज यूनिट आपको देता रहूंगा, अपलोड करता रहूंगा वीडियो, ठीक है। फिलहाल जैसे कि हमने यूनिट, जो हमारी यूनिट 1 है, 2 है और 3 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं यूनिट 5 की बात करता हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम यूनिट 4 को डिस्कस करेंगे, ओके। तुम्हारे यूनिट जो 5 है वह है इंजन कूलिंग एंड लुब्रिकेशन। अभी तक हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं, 1 का, 2 का और 3 का पार्ट। अब हम बात करते हैं इंजन कूलिंग की, कि इंजन को कूलिंग करने के लिए क्या मेथड है और इसका हम यूज़ क्यों करते हैं और हमें लुब्रिकेशन क्यों करना चाहिए। तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं कूलिंग। जो हमारी कूलिंग है दो टाइप की होती है, एक हमारा होता है एयर कूलिंग सिस्टम, एक हमारा होता है वाटर कूलिंग सिस्टम। एयर कूलिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं, एयर का यूज़ करते हैं, और वाटर कूलिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं एयर कूलिंग सिस्टम हमारा कैसा होता है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं और इसके डिसएडवांटेज क्या हैं। बात करते हैं जैसे कि एयर कूलिंग सिस्टम, यह हमारा सिलेंडर है और यहाँ क्या हो रहा है, कंबक्शन हो रहा है, ठीक है, कंबक्शन हो रहा है। तो कंबक्शन से क्या होगा, ये जो हमारी साइड की लेयर है वो क्या हो जाएगी, हीट हो जाएगी। जब साइड की लेयर हीट होगी तो क्या होगा, ये कंबक्शन हमारा हीट हो जाएगा, सिलेंडर हीट हो जाएगा, तो हमारे क्या होंगे, इफिशियंसी भी हमारी इसके हिसाब से लेस होने लगेगी। तो हमने क्या किया, इसमें क्या किया, इसकी साइड की परत में, जो हमारा सिलेंडर में पूरा साइड है, इसमें क्या किया, एक कवरिंग लगा दी और इसमें फिंस लगा दिया। इसको हम क्या करते हैं, जो हमारा ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है इसे हम कहते हैं फिंस, ओके। आपने गाड़ियों में देखा भी होगा, इस तरीके से हमारा जो हमारा ऑयल टैंक रहता है, सिलेंडर जो हमारा इंजन रहता है, वहाँ साइड में इस तरीके से लगे होते हैं, ये हमारी फिंस होती हैं। अब ये वर्क कैसे, वैसे वर्क कैसे करती हैं, जब एयर के कांटेक्ट में हमारा ये पूरा सिलेंडर आता है, जो हमारा कंबक्शन चैम्बर है, तो क्या हो जाता है, इसमें एयर कंटिन्यू क्या हो जाती है, प्रोड्यूस होती रहती है। जब एयर कंटिन्यू प्रोड्यूस होती रहती है तो एटमॉस्फेरिक एयर जो रहती है वो क्या रहती है, ठंडी होगी सिलेंडर अंदर की हीट से, तो क्या रहती है, हीट को एब्जॉर्ब करती है और जो भी हमारा सिलेंडर है जो गर्म रहता है उसको क्या करता है, कूलिंग कंटिन्यू प्रोवाइड करता रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारा वेलोसिटी है या फिर जितनी वेलोसिटी से हमारा एयर जाएगी उतनी हमें क्या होगी, अच्छी कूलिंग प्रोड्यूस होगी। और हमारा एरिया पे भी ये डिपेंड करता है। एरिया पे डिपेंड करने का मतलब क्या है, कि जैसे कि हमारा एरिया जब ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा फिंस का, तो एयर ज़्यादा कूलिंग करेगी क्योंकि कॉन्टैक्ट में ज़्यादा रहेगी। तो इस तरीके से हमारा एयर कूलिंग सिस्टम वर्क करता है। अगर मैं बात करूँ इसके एडवांटेज की, तो एडवांटेज इसके क्या क्या हैं, तो इंडियन डिजाइन बिकम सिंपल, इसका डिजाइनिंग बहुत सिंपल होता है, क्योंकि हमें क्या करना है कि जो हमारा कंबक्शन चैम्बर होता है उसके सिर्फ हमें साइड में क्या होता है, फिंस लगानी पड़ती है। जो फिंस लगाते हैं तो इससे हमारा एरिया के कॉन्टैक्ट में आ जाता है एयर हमारा पूरा, और हमारा जो कूलिंग चैम्बर है वो ईजिली प्रोवाइड हो जाता है, यानी जो हीटिंग हमारा होता है वो ईजिली उसके कॉन्टैक्ट में आने से कूल होने लगता है, ठीक है। अब्सेंस ऑफ कूलिंग पाइप, इसमें कोई भी कूलिंग पाइप की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एयर है तो कोई कूलिंग पाइप की जरूरत नहीं होगी। रेडिएटर की जरूरत नहीं होती, मेक कूलिंग सिस्टम इन पूरी हमारी कूलिंग सिस्टम में। फिर लिखा हुआ है कि नो डेंजर ऑफ कूलिंग लीकेज, कोई भी लीकेज का हमारा डर नहीं होता, क्योंकि एयर है तो लीकेज भी नहीं होगी, ऑयल होता तो हमारा लीकेज का भी प्रॉब्लम होता। फिर नो एंटी फ्रीज सोल्यूशन इज नीडेड, एंटी फ्रीज सोल्यूशन का मतलब क्या है, यहाँ जैसे भी कि हमारा ठंडियों में क्या होता है, ठंड में जो हमारा कोल्ड सीजन रहता है, तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा कूलेंट रहता है वो क्या होना था, फ्रीज होने लगता है। जितने भी हमारी ठंड के प्रदेश हैं वहाँ क्या होता है, मोस्टली हमारी जो गाड़ियाँ बनती हैं वो एयर कूलिंग होती हैं। एयर कूलिंग क्यों होती हैं, अगर वाटर कूलिंग होगी तो ठंडी में क्या हो जाएगा, वो जम जाएगा और हमारा जो कूलिंग सिस्टम है वो अच्छे से नहीं होगा। इसलिए हम जो एयर कूलिंग में क्या होता है, कोई भी फ्रीजिंग सोल्यूशन की हमारी ज़रूरत नहीं पड़ती, नहीं तो वाटर होगा तो उसमें हमारी फ्रीजिंग की ज़रूरत पड़ेगी। फिर है कि वेट पर बीएचपी यानी ब्रेक हार्स पावर लेस देन वाटर, इसका जो वेट होता है कंपेयर टू द वाटर बहुत कम होता है, ओके, इसलिए हमारा लेस देन वाटर होता है, ठीक है, जो इसका ब्रेक हार्स पावर होता है। सेल्फ कॉन्टेन यूनिट नो एक्सटर्नल रिक्वायर्ड, ये जो इसका पूरा कंस्ट्रक्शन होता है ये सेल्फ कॉन्टेंट होता है, किसी जरूरत नहीं पड़ती, हमारी एयर अपने आप कंटिन्यू आती रहती है, कोई भी हमें एक्सटर्नल प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ती। इंस्टॉलेशन ऑफ एयर कूल्ड इंजन इजली, जो इसका इंस्टॉलेशन होता है वह भी बहुत ईजी होता है। स्मॉल थर्मल लॉसेस, इसमें थर्मल लॉसेस भी हमारे बहुत कम होते हैं। तो ये होगी हमारी एडवांटेज की और एयर कूलिंग कैसे वर्क करता है। अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की।
अब एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होंगे। इसमें मूवमेंट ऑफ नॉइज, इसका जो मूवमेंट होता है, कहने का मतलब जो एयर हमारी कॉन्टेक्ट में आती है तो नॉइस बहुत ही ज्यादा प्रोड्यूस करती है। नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग, और कूलिंग जो हमारी होती है वो यूनिफॉर्मली नहीं होती, कहने का मतलब कहीं एयर हमारी कम आ रही है या फिर कहीं ज्यादा हो रही है, यानी यूनिफॉर्मली हमारी कूलिंग नहीं हो पाती क्योंकि एयर हमारी कंटिन्यूस में जो सरफेस एरिया है उसमें नहीं प्रोड्यूस हो पाती। नॉट यूजफुल फॉर अ हाई आउटपुट इंजन, जितने भी हमारे आउटपुट जो अच्छे देते हैं तो इसका बहुत ही ज्यादा आउटपुट अच्छा नहीं होता, क्योंकि कहीं वेलोसिटी कम है एयर की तो भी हमारा कूलिंग सिस्टम इफेक्ट करेगा, एरिया हमारा थोड़ा भी इफेक्ट करता है, उस एरिया पे हमारी एयर नहीं पहुंच रही है तो भी इफेक्ट करेगा, तो इसलिए बहुत ही यूजफुल नहीं होता। लेस इफिशियंसी, इस कारण से इसकी इफिशियंसी भी बहुत हमारी कम होती है। जो हमारा सेकंड था वह है वाटर कूलिंग सिस्टम। वाटर कूलिंग सिस्टम में क्या होता है, हम वाटर का यूज करते हैं, जैसे एयर में हम क्या कर रहे थे, एयर का यूज कर रहे थे, वाटर कूलिंग सिस्टम में हम वाटर का यूज करेंगे। अब देखते हैं इसका कि हमारा इसका जो डायग्राम है वह कैसे होता है। ठीक है, देखो डायग्राम में जैसे कि मैंने दिखाया हुआ है, ये हमारा क्या है अपर टैंक और ये हमारा क्या है लोअर टैंक है। ये हमारा रेडिएटर होता है, रेडिएटर को हम हीट एक्सचेंजर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हीट एक्सचेंजर। आपसे रेडिएटर के बारे में अलग से भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं यही आपको रेडिएटर के बारे में भी बता दूंगा। ठीक है, ये हमारा क्या है लोअर टैंक है, ये हमारा क्या है वाटर पंप है, ये हमारा क्या है पूरे सिलेंडर है जो हमारा फोर स्ट्रोक दिखाया गया है। ठीक है, ये हमारा फैन है और ये हमारा क्या है थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट का वर्क क्या होता है कि कितनी अमाउंट हमें उस आगे भेजना है हीट एक्सचेंजर के पास, तो एक तरीके से इसका कंट्रोल करता है पूरी थर्मिशन को। ठीक, और ये हमारा फैन होता है जो हमारा रेडिएटर को कंटिन्यू एयर देता है ताकि जो भी हमारी कूलिंग हो वो अच्छे तरीके से हो सके। वाटर पंप का यूज क्या है, जो भी हमारा वाटर लोअर में आएगा ठंडा होके वो कंटिन्यू इसको सप्लाई करेगा। ये होगा इम्पोर्टेंट इसके पार्ट। अब देखते हैं इसकी वर्किंग कैसे होती है। सपोज दैट क्या हुआ कि अगर मैं इसको कूलिंग करना है, तो सपोज दैट हमारा ये सिलेंडर है, यहाँ हमारा क्या है अभी हॉट एयर है। ठीक है, ये हॉट एयर प्रोड्यूस कर रही है, तो हॉट एयर क्या जाती है थर्मोस्टेट पे जाती है। थर्मोस्टेट ये हमारा एक तरीके से वाल्व होता है, थर्मोस्टेट यहाँ वाल्व कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी हमारी हीट है कितना आगे जाना है, जैसे कि बहुत ज्यादा हमारी हीट है तो कितना ठंडी करनी है, और कुछ लेस अमाउंट ऑफ हीट है तो बिल्कुल तो ठंडा हम करेंगे नहीं कि फ्यूज हो जाए, तो कुछ अमाउंट कितनी हमें भेजनी है वो थर्मोस्टेट हमें डिसाइड करता है कि कितना गर्म पार्टिकल हमें रेडिएटर के पास हीट एक्सचेंजर के पास भेजना है और कितना यहाँ से बाईपास करना है। तो यहाँ से कुछ हमारी जो कूलिंग मतलब हॉट एयर होती है, फिर हमारा हॉट वाटर कह सकते हैं, वह हमारी क्या हो जाती है यहाँ से बाईपास हो जाती है, और यहाँ से बाईपास होने के बाद यहाँ से डायरेक्ट क्या हो जाती है सप्लाई होने लगती है। तो ये थर्मोस्टेट का वर्क होता है। फिर क्या होता है, जो भी थर्मोस्टेट आगे सप्लाई करता है कूलिंग के लिए, जो भी हमारा हॉट प्रोसेस रहेगा वो क्या होता है अपर टैंक पे आता है। अपर टैंक पे आने के बाद ये हीट एक्सचेंजर पे आता है। हीट एक्सचेंजर क्या करता है, इसमें एक तरीके से छोटे छोटे फिन्स टाइप के, रेडिएटर टाइप के, इसमें कूलिंग होती रहती है। ठीक है, इसमें कूलिंग होता रहता है। तो फिर ये जब कूलिंग होती है तो फैन भी हमारा कंटिन्यू चलता है और हमारी जो हीट हमारी होती है वो एक्सचेंज हो जाती है, यानी जो हॉट हमारा रहता है वो क्या हो जाता है वो कूल होने लगता है। फिर ये लोअर टैंक में आता है। लोअर टैंक में आने के बाद फिर ये क्या है नीचे आता है। फिर लोअर टैंक में आने के बाद ये धीरे धीरे दोनों मिक्स होने के बाद पंप में आते हैं। पंप क्या करता है, जो भी हमारी बस्ता है यहाँ से वाटर पार्टिकल, उसको क्या करता है नेक्स्ट आगे सप्लाई करता है और ये कंटिन्यू फिर क्या करता है यहाँ से कूलिंग प्रोड्यूस करता है, और ये ऐसे कनेक्ट होता है और ये कंटिन्यू क्या करता है कूलिंग प्रोड्यूस करता है। इस तरीके से हमारा जो हमारा वाटर कूलिंग सिस्टम है, इस तरीके से हमारा कंटिन्यू वर्क करता है। यहाँ हीट एक्सचेंजर का मेन यही वर्क होता है कि जो भी फैन सप्लाई होता है तो ऑटोमेटिक हमारा फैन चलता है। ऑटोमेटिक चलने का मतलब क्या है कि हमें कितनी जो भी हमारा वाटर है, जो हॉट वाटर है, कितना ठंडा करना है उसके हिसाब से हमारा ये ऑटोमेटिक फैन स्टार्ट होता रहता है। सपोज हमें कम हीट की जरूरत है तो हमारा ये कंटिन्यू सप्लाई हो जाएगा, फैन स्टार्ट नहीं होगा। इस तरीके से ये हमारी पूरी प्रोसेस वर्क करती है। अब इसी अगर मैं एडवांटेज की बात करूं, हाँ एक चीज, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। एंटी फ्रीज सॉल्यूशन का मतलब क्या हो, जैसे कि मैंने बताया कि अभी ठंड में क्या होता है कि जो हमारे वाटर कूलिंग सिस्टम में क्या होता है वो फ्रीज हो जाते हैं, तो फ्रीज हो जाते हैं तो उसमें हमें क्या करना है एंटी फ्रीज सॉल्यूशन की भी जरूरत पड़ती है। ओके, अब आते हैं एडवांटेज के बारे में। ये हमारा हाई इनपुट आउटपुट इंजन होता है, इसकी आउटपुट क्या होती है अच्छी होती है, हायर वैल्यूमेट्रिक रेशियो, वैल्यूमेट्रिक रेशियो इसका क्या होता है हाई होता है, और कूलिंग यूनिफॉर्मली होती है।
जिससे हमारा एयर में था कूलिंग यूनिफॉर्मली नहीं हो रही थी क्योंकि एरिया कॉन्टेक्ट हमारा पूरा नहीं हो रहा था। बट कूलिंग सिस्टम में क्या है, वाटर कूलिंग सिस्टम में जो कॉन्टेक्ट हमारा है पूरे बॉडी का, जहाँ भी हमें कूलिंग करनी है वो पूरी बॉडी में इक्वली होता है, इसलिए ये हमारा क्या होता है, कूलिंग यूनिफॉर्मली होती है। बात करते हैं डिसएडवांटेज की, यूज ऑफ रेडिएटर इंक्रीज द वेट। अगर इसमें हम क्या रेडिएटर की जरूरत पड़ती है जिससे हमारा इसका जो कंस्ट्रक्शन है पूरा बहुत ही वेट इसका हाई हो जाता है, और इसमें क्या होता है रेडिएटर की जरूरत पड़ती है, ये भी डिसएडवांटेज तरीके से है। मोर मेंटेनेंस की कॉस्ट क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। मोर सेंसिटिव टू क्लाइमेट, मतलब क्लाइमेट का मतलब यहाँ क्या है कि जैसे हमारी गर्मी पड़ रही है तो हमें रेडिएटर की जरूरत पड़ेगी, फैन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ज्यादा हीटिंग हमारी मिलेगी, और हमारा कोल्ड में क्या होगा, एंटी फ्रीज की जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से हमारे दो टॉपिक हो गए, जो एयर कूलिंग हमारी क्या होती है और वाटर कूलिंग क्या है, एडवांटेज क्या है और इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं एक हमारा होता है थर्मोसाइफन कूलिंग। अब ये थर्मोसाइफन कूलिंग क्या होती है, थर्मो मतलब होता है हीट और साइफन एक तरीके की हमारी क्या होती है, ट्यूब का स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब होती है, और कूलिंग मतलब कूलिंग करना। यानी कहने का मतलब जो भी हमारा सिलेंडर है, सपोज दैट देखो इस कूलिंग सिस्टम में क्या होता है, सपोज ये हमारा क्या है, ये हमारा सिलेंडर है जहां हमारी कंबक्शन प्रोसेस हो रहा है, यहाँ हमारा कंबक्शन प्रोसेस हो रहा है, तो ये हमारा क्या हीट है, यहाँ हीट है। इस कंडीशन में हम थर्मोसाइफन कूलिंग में क्या करते हैं, चारों तरफ एक कूलिंग सिस्टम यानी चैम्बर लगा देते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, वाटर को प्रोड्यूस कर देते हैं, जिससे हमारी कूलिंग होती रहती है चारों तरफ से, यानी इक्वल कूलिंग हम इसमें चारों तरफ से एक तरीके से लगा देते हैं, ठीक है, एक परत जिससे हमारा वाटर क्या होता है इसको चारों तरफ वर्क करता रहता है। अब देखो ये इसका वर्किंग प्रोसेस कैसा होता है, इसको हम नेचुरल कूलिंग सिस्टम भी कहते हैं। नेचुरल कूलिंग सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क नहीं करते हैं, ना भी हमें कुछ प्रोसेस करना पड़ता है, सिर्फ हम क्या करते हैं इसके चारों तरफ एक और लेयर लगा देते हैं जिसमें हमारा वाटर क्या हो कंटिन्यू सर्कुलेट रहता है, वाटर बिकम लाइटर ऑन हीटिंग। अब इस प्रोसेस में होता क्या है वो हम देखते हैं। सपोज दैट ये हमारा सिलेंडर क्या है, इसमें हीट हो रहा है, प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। जब इसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है तो जो हमारे ऊपर के पार्टिकल होंगे ये वो क्या होंगे, हीट होंगे, यानी इनका पार्टिकल क्या होगा, हीट होगा। अब ये हीटिंग के कारण क्या होते हैं, इसका जो वेट होता है, यानी कहने का मतलब जो वाटर होता है वो हीटिंग प्रोसेस से क्या होता है, धुएं के रूप में इसका वेट क्या लाइटर हो जाता है, तो क्या करता है ये ऊपर, ये होता है हाउसिंग के कारण इसमें क्या प्रोड्यूस होता है। जब ये हाउसिंग में जाता है तो ये फिर ये नीचे कंटिन्यू आता है और ये हमारा होता है वाटर पार्टिकल। तो जब हमारा वाटर जो है कांटेक्ट में आएगा, हीट वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा और ये भाप के रूप में ऊपर जाने लगता है, ठीक है। जब ये ऊपर जाने लगता है कंटिन्यू, तो फिर क्या होता है, अपर टैंक है, ये हमारा रेडिएटर है, ये धीरे धीरे नीचे आता है और हमारा जो फैन है वो इसको कंटिन्यू ठंडा कर देता है। जब ये ठंडा कर देता है फिर इसके वाटर पार्टिकल धीरे धीरे आगे प्रोड्यूस हो जाते हैं और इसको फिर ठंडा करते हैं, जो भी हमारा गर्म पार्टिकल रहता है फिर ऊपर से आता है फिर नीचे आता है, ये कंटिन्यू ऐसे इसकी प्रोसेस चलती रहती है। इसमें हमारा एक रेडिएटर भी होता है, ये अपर हाउस कनेक्टर होता है, इसे कहते हैं नॉस कनेक्शन, जो हमारा नीचे का कनेक्शन होता है। इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा वाटर बिकम लाइटर ऑन हीटिंग, वाटर क्या हो जाएगा, हल्का हो जाता है जब उसमें हीटिंग प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए जो भी हमारी कूलिंग प्रोसेस के इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब हम बात करते हैं रेडिएटर कि हमारा रेडिएटर क्या होता है। जैसा कि मैंने अभी यहां बताया आपको कि रेडिएटर क्या है, हमारा हीट एक्सचेंजर है। क्या है, हीट एक्सचेंजर है, जो हीट को क्या करता है, एक्सचेंज कर देता है। हीट एक्सचेंज का मतलब क्या है, जो भी हमारी हॉट है, हॉट एयर है या फिर हॉट वाटर है हमारा, उसको क्या करता है, कूलिंग कर देता है, ठीक है। हमारा कूलिंग प्रोड्यूस करता है उसे हम कहते हैं हीट एक्सचेंजर, ठीक है। अब हीट एक्सचेंजर भी हमारे कई टाइप के होते हैं, अब हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्लो की। जो हमारा रेडिएटर है यहाँ, अकॉर्डिंग टू फ्लो कि हमारा रेडिएटर में कैसे वाटर का फ्लो हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमने दो टाइप में इसको डिवाइड किया है। एक हम कहते हैं डाउन फ्लो टाइप, एक कहते हैं हम क्रॉस फ्लो टाइप। अभी डाउन फ्लो टाइप क्या होता है, क्रॉस फ्लो टाइप क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक चीज मैं और बता दूं, जो डाउन फ्लो टाइप होते हैं इसमें भी, जब ये क्रॉस फ्लो टाइप होता है इसमें भी हमारे दो कोर होते हैं, एक हमारा ट्यूबुलर कोर, एक हमारा सेलुलर कोर। अभी ट्यूबुलर कोर का मतलब क्या होता है, इस कंडीशन में जो हमारा वाटर होता है वो हमारा पाइप में फ्लो करता है और एयर हमारी क्या होती है, उसके सराउंडिंग होती है, ठीक है। लेकिन सेलुलर कोर में क्या होता है, जो हमारी एयर होती है वो ट्यूब में होती है और वाटर हमारा क्या होता है, सराउंडिंग होता है। तो फ्लो के कारण इसके जो रेडिएटर है उसके दो टाइप है, एक होता है डाउन फ्लो टाइप, एक होता है क्रॉस फ्लो टाइप। अब डाउन फ्लो टाइप में क्या होता है,
डाउन फ्लो टाइप में देखो, जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है, यह हमारा क्या कलेक्टर है, यह हमारा ड्रेन टाइप है। ड्रेन टाइप में क्या देखो, अब कलेक्टर में क्या होगा, पहले जाते हैं डाउन फ्लो टाइप का मतलब क्या होता है। डाउन फ्लो टाइप का मतलब सिर्फ इतना है कि जो हमारा एयर का डायरेक्शन है वह डाउन होगा, या वाटर का हमारा जो फ्लो होगा जो हम कूलिंग के लिए यूज करेंगे वह डाउन डायरेक्शन के लिए होगा। ओके, बस इतना से इसका मेन मतलब होता है। अब क्या होता है, ये हमारा कलेक्टर होता है, जो भी हमारी एयर होती है वह इसमें जाती है, जब इसमें से पास होता है तो कलेक्टर के पास आता है, और जो भी कुछ अनवांटेड है तो उसे हम ड्रेन टाइप से क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है, फिर तो इसमें भी हमारे क्या होते हैं, हीट एक्सचेंजर लगे होते हैं। हीट एक्सचेंजर हमारे लगे होंगे, वो हमारी मैट्रिक्स कोर टाइप के होते हैं। मैट्रिक्स कोर टाइप, कोर टाइप का मतलब एक हनी कम स्ट्रक्चर होता है, जिससे क्या होता है फिंस लगी होती है, और उसमें हमारा कंटिन्यू रेडिएटेड कंटिन्यू हमारा जो वाटर पार्टिकल है, एयर पार्टिकल है, प्रोड्यूस होता रहता है, और हमारी कूलिंग हमें प्रॉपर मिलती रहती है। तो समझ में आ गया होगा आपकी कि डाउन फ्लो टाइप में जो हमारा वाटर होता है, वाटर जो फ्लो होता है वो टॉप टू बॉटम होता है, टॉप टू बॉटम होता है। ठीक है, इसलिए इसे हम कहते हैं डाउन फ्लो टाइप रेडिएटर। ओके, अब हम बात करते हैं क्रॉस फ्लो टाइप रेडिएटर में। अगर इसी का हम एग्जाम्पल ले लें, सारा कुछ यही है हमारा, सिर्फ हमारा जो मोशन है, जो वाटर का मोशन है या एयर का मोशन है, वह हमारा ऐसे होने लगा, क्रॉस फ्लो टाइप में होने लगा, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं क्रॉस फ्लो टाइप रेडिएटर। ठीक है, इन दिस फ्लो टाइप ऑफ रेडिएटर हॉट कूलेंट इज सप्लाई टॉप ऑफ द सप्लाई टैंक एंड फ्लो अक्रॉस द रेडिएटर इज टेकन फ्रॉम द बॉटम ऑफ कलेक्टर टैंक, और हमारा क्या होता है बॉटम टाइप में कलेक्ट होता है। ठीक है, तो ये दोनों हो गए, डाउन टाइप क्या होता है, क्रॉस फ्लो टाइप क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा। अब लिस्ट हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट है, वह कह रहा है कि टाइप ऑफ रेडिएटर मैट्रिक्स, कि रेडिएटर तो हमारे होते हैं, लेकिन जो रेडिएटर में फिंस लगी होती हैं, जो मैट्रिक्स लगी होती हैं, जो कोर लगी होती हैं, उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने चार टाइप में इसको डिवाइड किया है। अब चार टाइप में क्या है, एक होता है हमारा हनीकम ब्लॉक टाइप, राइबन सेलुलर एंड लॉन्ग टाइप एंड फिंस टाइप एंड कैरुगेटेड फिन टाइप। ये हमारे चार टाइप होते हैं जो हमारे रेडिएटर को मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। अभी क्या था, दो टाइप का था, अकॉर्डिंग टू मोशन, कि हमारा वाटर का कैसा मोशन हो रहा है, वाटर हमारा कैसे फ्लो कर रहा है, डाउन टाइप था, एक हमारा क्रॉस फ्लो टाइप था। लेकिन यहां हमारा क्या है अब, कि टाइप ऑफ रेडिएटर हमारा मैट्रिक्स किसके अकॉर्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया है। जैसे हमारा होता है हनीकम, इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, जो हमारी सेलुलर लगी होती है, जो मैट्रिक्स होता है, उनका स्ट्रक्चर हनीकम्ब के तरीके होता है, यानी एक छत्ते के तरीके होता है। छत्ता आपने देखा होगा, उसी तरीके से हमारा एक सेलुलर स्ट्रक्चर बना होता है, ये हमारा छत्ते के अकॉर्डिंग बना हुआ है, ये हमारा इसे हम कहते हैं हेक्सागोनल शेप में। इस कंडीशन में क्या होता है, जो कूलिंग एयर इज पास थ्रू द सेलुलर ट्यूब, जो कूलिंग एयर होती है वो पास होती है सेलुलर ट्यूब से एंड वाटर बिटवीन द ट्यूब, और वाटर हमारा बिटवीन ट्यूब में रहता है। तो इस तरीके से हमारा आ रही है, ये इसमें फिंस लगी हुई है साइड साइड से, वाटर हमारा फ्लो हो रहा है, तो कंटिन्यू क्या होगा, एयर प्रोड्यूस होगी और हमारा जो हमारी कूलिंग सिस्टम है वह वर्क करता रहेगा। ठीक है, ये बस इतना मतलब है वो हनीकम ब्लॉक टाइप का। अब हम बात करते हैं कि राइबन सेलुलर टाइप मैट्रिक्स क्या होता है। राइबन सेलुलर टाइप मैट्रिक्स में क्या होता है कि इसमें थिन मेटल राइबन होते हैं, जो हमारी इसके साइड में सोल्डरिंग होती है। जैसे हमारा ये है, ये हमारा कूलेंट फ्लो है, और ये क्या करता है, जिग जैक मोशन करता है। तो इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने राइबन सेलुलर मैट्रिक्स का एक नाम दिया है। ठीक है, फिर हमारा जो सेकंड थर्ड है वो होता है लॉन्ग ट्यूब एंड फिंस टाइप। लॉन्ग ट्यूब और फिंस टाइप मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है ट्यूब का इस तरीके से, और इसमें क्या हुआ, पतली पतली फिंस लगी होती है ऐसे। ठीक है, जो क्या करती है, कंटिन्यू जो भी हमें कूलिंग प्रोड्यूस होनी होता है, कि हमें कितना कूलिंग चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमारा कूलिंग ऐसे जनरेट होता है, और हमारा वो लॉन्ग ट्यूब एंड फिंस टाइप हमारा स्ट्रक्चर कहलाता है। अब होता है कि कॉरगेटेड फिंस टाइप। इन दिस में ट्यूब में क्या होता है कि जो फ्लैटेंड ओवर हमारी शेप सेक्शन साइज जिगजैग मोशन की ही बनी होती है। जैसे ये सपोज ये है, तो इसमें फिंस जो बनी होगी वैसे जिगजैग मोशन बनी होगी, ये हमारा क्या होगा कूलेंट फ्लो हो रहा है, फिर ऐसे जिगजैग मोशन बनी होगी, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड किए हैं। अगर आप फिगर भी देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, हमने कूलिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लिया है, अब हम बात करते हैं लुब्रिकेशन की। अच्छा, पहले हमारा क्वेश्चन ये है कि लुब्रिकेशन की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। लुब्रिकेशन की मेन हमारा जो है फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। ठीक है,
कि फ्रिक्शन हमारा जो है रिड्यूस करना, यानी कहने का मतलब जो हमारे फ्रिक्शन घर्षण अगर बहुत ज्यादा लगेगा तो हीटिंग हमारी क्या होगी, जनरेट होगी और हमारी उसकी जो प्रोडक्ट की इफिशियंसी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और हमारा जो बीरिंग है वह भी हमारा क्या हो जाएगा, आवाज करेगा, वियर और टियर करेगा। तो जो हमारा रिलेटिव मोशन है वो रिड्यूस करता है हमारे फ्रिक्शन को, इसलिए हम करते हैं लुब्रिकेशन का यूज। ओके, अब हम बात करते हैं लुब्रिकेशन जो हमारे टाइप हैं। पहले मैं बात करता हूँ लुब्रिकेशन का प्रिंसिपल के बारे में कि लुब्रिकेशन प्रिंसिपल हमारा वर्क कैसे करता है। वर्क ऐसे करता है, देखो जैसे कि मैंने अभी इसी में मैं प्रिंसिपल को भी इसका डिस्कस कर दूंगा, जैसे कि इसके टाइप है हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन, बाउंड्री लुब्रिकेशन एंड हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन। ठीक है, ये इसके चार टाइप होते हैं लुब्रिकेशन के। पहले हम बात करते हैं इस लुब्रिकेशन के प्रिंसिपल के बारे में। लुब्रिकेशन का प्रिंसिपल क्या होता है कि सपोज इट हमारा ये ब्लॉक है, ये हमारा क्या है, एक लेयर है या फिर हमारी सरफेस है। जब इसमें ये कॉन्टेक्ट में आता है हमारा, ये जब कॉन्टेक्ट में आएगा, अभी इसका क्या है, फ्रिक्शन को हाई है। जब इसका फ्रिक्शन हाई रहेगा तो ये फोर्स जनरेट करेगा, वह रेजिस्टिव फोर्स मोमेंट यानी जनरेट करेगा। सपोज दैट हमने क्या किया, इसमें ऑयल डाल दिया, लुब्रिकेटिंग ऑयल लगा दिया। जब इसमें ऑयल लुब्रिकेटिंग हम लगा देंगे तो ऑयल लुब्रिकेटिंग लगाने से क्या होगा, जब ये बॉडी इसमें रखी जाएगी अगेन, तो इसमें क्या होगा, जो ऑयल फिल्म है वो स्क्यूज जनरेट करेगा। स्क्यूज जनरेट करने का मतलब एक उसमें सरफेस लेयर जनरेट कर लेगा और स्क्वीजिंग को आउट कर देगा। ऑयल स्क्वीजिंग आउट हो जाती है, ऑयल स्क्वीजिंग आउट का मतलब उसमें जो प्रेशर पड़ रहा है वो बहुत ही लेस हो जाता है, और वही जो हमारा प्रेशर लेस होता है वही हमारा लुब्रिकेशन का मेन प्रिंसिपल होता है, जिससे हमारी क्या होता है, सरफेस जो होती है बिल्कुल स्मूथली, हमारी उसमें ब्लॉक और सरफेस का जो कॉन्टेक्ट होता है बहुत ही स्मूथली हो जाता है। ठीक है, तो सुटेबल वेट इज प्लेस्ड ऑन इट, यही हमारी डेफिनेशन में लिखा भी है, अगर आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब फिर क्या है, लुब्रिकेशन ऑयल वेज शेप ऑयल फिल्म, इसमें क्या हो जाता है कि वेज स्लेप, वेज तरीके से हमारा बन जाता है वेज, ऐसे कि जो कॉन्टेक्ट में आता है हमारा लेयर का और ऑयल फिल्म का। ठीक है, तो इस तरीके से, और किसके बीच में बनता है, ब्लॉक और सरफेस के बीच में। तो ये हमारा हो गया लुब्रिकेशन का मेन प्रिंसिपल। अब हम बात करते हैं हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन की। तो हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन में क्या होता है, हमारा ब्लॉक है, सरफेस है, तो इसमें कंडीशन में क्या होगा, हाई फ्रिक्शन जनरेट होगा। जब हाई फ्रिक्शन होगा तो जो दोनों में फोर्स होगा वो रेजिस्टिव फोर्स लगेगा, यानी एक दूसरे को रोकनेंगे, मूवमेंट करने नहीं देते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा एक वेज जनरेट हो जाता है ऑयल फिल्म का। जब इसमें हम एक ऑयल को डालते हैं या फिर ऑयल फिल्म को, लुब्रिकेशन ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं, तो जो हमारा ऑयल फिल्म जनरेट होता है इस कंडीशन में, वही हमारा कहलाता है हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन या फिर हाइड्रोडायनेमिक प्रिंसिपल। क्योंकि क्या हो जाता है, वहाँ ऑयल स्क्वीज आउट हो जाता है, वो दबाव कम लगाने लगता है। फिर हमारा होता है इलेक्ट्रोहाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन। अब इलेक्ट्रोहाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन में क्या होता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, सपोज दैट हमारी ये बॉडी है, मैं इसी एग्जांपल से आपको सबको समझा दूंगा। ओके, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रोहाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन में क्या होता है, ये हमारा ब्लॉक है, ये हमारा सरफेस है। जब ये वेट इंक्रीज हो जाता है, इस सरफेस का हमारा क्या होता है, वेट इंक्रीज हो जाएगा, तो जब हमारी ऑयल फिल्म इसमें प्रोड्यूज होगी तो क्या करेगी, एक प्रेशर जनरेट करेगी। सीधा सा बात है, जब इसमें वेट इंक्रीज होगा तो ये प्रेशर इसमें क्या करती है, जनरेट करती है। तो जब प्रेशर जनरेट करेगी तो जैसे हमारा नाम है इलास्टिक, तो इसकी जो बॉडी में क्या होता है, डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो जाता है। जो हमारा डिफॉर्मेशन होता है वह हमारा कैसा डिफॉर्मेशन होता है, एक इलास्टिकली होता है। जो इलास्टिकली हमारा डिफॉर्मेशन होता है, वो जो हमारा डायनेमिक वर्क करता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोहाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन। वेट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ऑयल फिल्म को जब हमने प्रोड्यूस किया तो प्रेशर क्या होगा, अपवर्ड इंक्रीज करेगा, और हमारा क्या हो जाएगा, डिफॉर्मेशन हो जाएगा, वो भी कैसा होगा, इलास्टिकली होगा, वही हमारा कहलाता है इलेक्ट्रोहाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन। फिर होता है बाउंड्री लुब्रिकेशन। बाउंड्री लुब्रिकेशन में क्या होता है कि मूव द ब्लॉक ऑन द सर्फेस विथ ए वेरी थिन ऑयल फिल्म, इनफ प्रेशर इज नॉट जनरेटेड इन अ फिल्म ड्यू टू द कॉन्टेक्ट टेक प्लेस बिटवीन अ ब्लॉक एंड सर्फेस। बाउंड्री लुब्रिकेशन में क्या होता है कि जैसे लिखा है कि मूव द ब्लॉक, जो हमारा ब्लॉक हमारा मूव करता है ऑन द सर्फेस पे विथ ए वेरी थिन ऑयल फिल्म, इसकी जो ऑयल फिल्म होती है बहुत ही थिन हो जाती है, तो इनफ प्रेशर इज नॉट जनरेटेड, तो हमारा जो प्रेशर है ऑयल फिल्म जो जनरेट करता है वो बहुत ही कम जनरेट करता है, ड्यू टू विच कॉन्टेक्ट टेक प्लेस, जो हमारा कॉन्टेक्ट प्लेस होता है ब्लॉक एंड सरफेस का। तो इस तरीके से हमारी जो सिचुएशन हमारी बनती है एराइज ड्यू टू द हाई लोड, ये सिचुएशन कब बनेगी, जो हमारा लोड क्या होता है, हाई हो जाता है, इनसफिशियंट हो जाता है,
तो आयर ड्यू टू लो स्पीड इन मूवमेंट, तो इसकी जो मूवमेंट होती है वह भी स्पीड कम हो जाती है। इस तरीके से हम इसको कहते हैं बाउंड्री लुब्रिकेशन। फिर आता हमारा हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन। अब हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन में क्या होता है कि इफ सम एक्सटर्नल सोर्स इज यूज्ड टू मेंटेन द फिल्म प्रेशर बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन। हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन में देखो क्या होता है कि जैसे हमारा कि ब्लॉक है या हमारा सरफेस है, एक हम अलग से एक एक्स्ट्रा हम क्या करते हैं इसमें प्रेशर, फिल्म प्रेशर लगा देते हैं, यानी प्रेशर जनरेट कम करने के लिए लगा देते हैं। तो जो हम लगाते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक सरफेस जो लगाते हैं, वही हमारा कहलाता है कि हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन। इसकी जो जो हमारी कंडीशन होती है वो बहुत ही लो होती है। इसमें लिखा इफ द सब एक्सटर्नल सोर्स, एक तरीके से हम एक्सटर्नल सोर्स लगाते हैं, इज यूज टू द मेंटेन द फिल्म प्रेशर, जो हमारा फिल्म प्रेशर इसको मेंटेन करने के लिए जो हम एक्स्ट्रा सोर्स लगाते हैं वही हमारा कहलाता है हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन। तो हम लोगों ने दोस्तों डिस्कस कर लिया लुब्रिकेशन के प्रिंसिपल के बारे में। अब हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ लुब्रिकेशन इन सिस्टम, कि हमारा जो लुब्रिकेशन है वो हमारा आईसी इंजन में, किसमें आईसी इंजन में कैसे वर्क करता है और किस तरीके से हम आईसी इंजन में लुब्रिकेशन का यूज करते हैं और ये हमारा कितने टाइप का होता है। जैसे हमारे इसके तीन टाइप होते हैं। एक हमारा होता है वेट सम्प लुब्रिकेशन। वेट सम्प लुब्रिकेशन में क्या होता है कि वेट सम्प लुब्रिकेशन में हमारा एक सम्प बना होता है। यहाँ सम्प का मतलब एक टैंक से है, हमारा एक ऑयल टैंक बना होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं वेट सम्प लुब्रिकेशन। ये तीन टाइप का होता है, स्प्लैश सिस्टम, प्रेशर सिस्टम एंड स्प्लैश एंड प्रेशर सिस्टम। अब मैं डिटेल से भी बताऊंगा एक एक करके कैसे वर्क करता है, इसका कैसा प्रोसेस होता है। फिर हम बात करते हैं ड्राई सम्प लुब्रिकेशन की। ड्राई सम्प लुब्रिकेशन में क्या होता है, जो लिखा हुआ ड्राई सम्प, अब समझ में नहीं आ रहा है कि ड्राई सम्प क्या है, जब इस सम्प बना हुआ टैंक है तो ड्राई कैसे है, आगे मैं बताऊंगा डिटेल से कि कैसे वर्क करता है। ठीक है, एक हमारा होता है मिस्ट लुब्रिकेशन। ठीक है, तो ये तीन टाइप होते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि हमारा वेट सम्प क्या होता है। अब दोस्तों बात करते हैं स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम की। स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है, स्प्लैश का मतलब होता है छिड़काव। ओके, छिड़काव का मतलब क्या है, देखो फिगर में मैं बताता हूँ। जैसे फिगर ही बहुत हमारा अच्छा बना नहीं है, मैं बुक का ही फिगर ले लेता हूँ, जैसे कि हमारा ये है। ठीक है, फिर मैं इसको फिर भी समझा देता हूँ कि हमारा कैसे ये वर्किंग प्रोसेस होती है। ये हमारा क्या स्प्लैश सिस्टम है। स्प्लैश सिस्टम का मतलब होता है छिड़काव। छिड़काव का मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो भी हमारा ऑयल होगा वो इस तरीके से वर्क करेगा और जितनी भी हमारी मैकेनिज्म है, वो कैमशाफ्ट है या बीयरिंग है, जो वाल्व है, सबको क्या करता है, लुब्रिकेट क्या करता है, छिड़काव करता है। यानी ऑयल हमारा क्या करता है, हर जगह छिड़काव प्रोड्यूस करके इसको लुब्रिकेशन प्रोड्यूस करता है। अब कैसे इसकी वर्किंग प्रोसेस होती है वो हम देखते हैं। इसमें हमारा क्या होता है, ऑयल स्ट्रेनर होता है। ऑयल स्ट्रेनर का वर्क क्या होता है कि यह हमारा स्ट्रेन करता है। स्ट्रेन करने का मतलब क्या है, जो भी हमारा एक तरीके की छन्नी जिसे हम कह सकते हैं कि हमारा शुद्ध हमारा ऑयल कितना है, ऑयल का किसमें पार्टिकल ना जाए, अनवांटेड पार्टिकल ना जाए, इस तरीके ऑयल को क्या करता है, स्ट्रेन करता है। ठीक है, स्ट्रेनर के बाद ये हमारा कनेक्ट होता है ऑयल पंप से। ऑयल पंप से जब कनेक्ट होता है, ये हमारा जैसे कि स्प्लैश बना हुआ है पूरा, ये हमारा क्या है, पूरा हमारा ऑयल है, पूरा हमारा स्प्लैश बना हुआ है, ऑयल सम्प है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ऑयल पंप में जाता है और ये ऑयल पंप जो है इस ड्राइव मैकेनिज्म से पूरा, ये हमारी जो पैन बनी हुई है इससे पूरी कनेक्शन होती है। ठीक है, ये हमारी क्या ऑयल थ्रू है, ये हमारी क्या पूरा पैन है, ये क्या इससे कनेक्ट होता है। और ये हमारा क्या होता है, ऑयल प्रेशर गेज होता है, जो हमारा दिखाता है कि ऑयल का हमारा प्रेशर कितना है, कि हमें कितना प्रेशर से इस पूरी मैकेनिज्म में कितना स्प्लैश करना है। ओके, स्प्लैश का मतलब छिड़काव। ठीक है, कितना स्प्लैश करना है। तो ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है, देखो ये हमारा क्या होता है, ऑयल होता है, ये हमारी क्या होती है, मेन बीयरिंग होती है, ये हमारा क्या सिलेंडर है, ये हमारी क्या होती है, कैमशाफ्ट होती है। जो हमारी कैमशाफ्ट का वर्क क्या होता है, जो हमारी वाल्व को होता है ओपन और क्लोजिंग का वर्क करता है। अब देखो कैसे छिड़काव करता है, जब ये इसमें क्या होता है, छोटे छोटे पोर्ट बने होते हैं, छोटे मतलब एक तरीके से ड्रिलिंग होती है, जिसमें क्या होता है कि जब हमारा ऑयल ये इसमें अप डाउन करता है तो हमारा ऑयल जो है इस तरीके से पूरे तरीके में क्या हो जाता है, इसमें फैल जाता है। ऑयल हुआ आया पूरे इसमें फैल गया और इस तरीके से इसमें छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं, जिससे क्या होता है जब हमारी वर्किंग करती है प्रोसेस तो इसमें ऑयल का छिड़काव होता रहता है। और ये हमारी कनेक्टिंग रॉड होती है, जैसे हमारी कैमशाफ्ट है, पूरी कनेक्टिंग रॉड है, वर्क करेगी, ऑयल हमारा क्या होगा कंटिन्यू इसमें स्प्लैश करता रहता है। इसमें भी क्या हो जाता है, छोटे छोटे हम एक तरीके से ऑर्फिस तरीके से लगा देते हैं, जिसमें क्या होता है हमारा ऑयल क्या है पूरी तरीके से हर एक मैकेनिज्म में जहाँ जहाँ हमें ऑयल की जरूरत पड़ती है वहाँ हमें ऑयल मिलता रहता है। तो दोस्तों यही हमारा बताया गया है कि स्प्लैश सिस्टम कैसे वर्क करता है। देखो
क्या है कि लुब्रिकेशन ऑयल चार्ज इनटू द बॉटम इंजन, क्रैंक केस हमारी होती है, मैंने बताया सारी वर्किंग को, ऑयल स्टोर इन ऑयल थ्रू लोकेटेड अंडर द बिग एंड कनेक्टिंग रॉड, सारा कुछ वही लिखा आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड प्रेशर फीड सिस्टम की, ठीक है। हमारा प्रेशर फीड सिस्टम में क्या होता है, प्रेशर फीड सिस्टम में क्या होता है कि जो भी हमारा ऑयल, जैसे कि हमारा मैंने बताया कि स्प्लैश कैसे हो रहा था, वैसे हमारा प्रेशर हेड सिस्टम में क्या होता है, जो हमारी मैकेनिज्म पूरी वर्क करती है, जो हमारा ऑयल हमारा पहुंचता है वो हमारे एक प्रेशर के थ्रू पहुंचता है। कैसे, देखो ये हमारा क्या है, पूरा प्रेशर फीड सिस्टम है, ये भी हमारा प्रेशर सिस्टम है, ऑयल स्ट्रेनर है, ऑयल स्ट्रेन करता है यहाँ कि ऑयल हमारा शुद्ध है कि नहीं, एक छन्नी के रूप में वर्क करता है, ऑयल पंप को पहुंचाता है। ऑयल पंप क्या करता है, इस मैकेनिज्म में पूरी तरीके से कनेक्ट होता है, पूरी तरीके से कनेक्ट कर मतलब एक यहाँ भी हमारी ट्यूब लगी हुई है, ऐसे 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 हर तरीके से ये क्या होती है, कनेक्ट होती है, ठीक है। ऑयल पंप यूज लुब्रिकेटिंग ऑल पार्ट सिलेंडर, जितने भी हमारे सिलेंडर के पार्ट होते हैं, मेयरिंग होती है, ये हमारी कैम शाफ्ट होती है, इसमें क्या होती है, पूरी तरीके से कनेक्ट होती है। और हमारा जो ऑयल प्रेशर गेज है, ये ऑयल के प्रेशर को दिखाता है कि हमें कितनी प्रेशर से इसमें ऑयल को प्रोड्यूस करना है। तो जो हमारी हेडर लाइन है ये हमारी ऐसे कनेक्ट होती है, जो हमारी प्रेशर इसमें जाता है, यहाँ भी कनेक्ट है, देखो यहाँ भी कनेक्ट है, तो हमारी इक्वली प्रेशर से, इक्वल प्रेशर से हर जगह ऑयल को क्या करता है, सम करता है। ये हमारी गैलरी लाइन है जो पूरे में क्या हो रहा है, ऑयल सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है, ऑयल सर्कुलेट हो रहा है। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है, प्रेशर जनरेट हुआ, हर तरीके से पूरे में ऑयल जाता है, और ये ऐसे इसमें ड्रिल्ड होल बने होते हैं, ठीक है, ड्रिल्ड होल बने होते हैं जिसमें क्या होता है, पूरी तरीके से हमारा ऑयल प्रोड्यूस होता है। ये हमारी कैम शाफ्ट होती है जो वाल्व को ओपन करती है, यह भी इससे कनेक्ट होता है, और हमें ऑयल हर जगह हमारा क्या होता है, कंटिन्यू प्रेशराइज होता है, जिससे हमारा ऑयल हर जगह पहुंचता रहता है। ये हो गया हमारा प्रेशर फीड सिस्टम। और हमारा इसमें जो थर्ड है वो हमारा होता है स्प्लैश एंड प्रेशर सिस्टम। स्प्लैश एंड प्रेशर सिस्टम में क्या होता है, ये दोनों मैकेनिज्म में साथ साथ वर्क करते हैं। कैसे, देखो ऑयल स्ट्रेनर है, ऑयल स्ट्रेन हुआ, ऑयल पंप में गया, लेकिन इसमें क्या होता है, ये भी हमारा ऑयल जैकेट है, ये भी हमारा क्या करता है, इस पर डिप करता है और ऑयल हमारा पहुंचता है। ये भी हमारा क्या है, प्रेशराइज की तरीके से हर जगह से कनेक्ट है, जो हमारा प्रेशर को शो करता है। तो इसमें क्या होता है, दोनों वर्किंग होती है, ड्रिल्ड होल होते हैं हमारे, ऑयल होल जिसे हम कहते हैं क्रैंक शाफ्ट में और बीरिंग में। तो क्या होता है, इन बोथ पार्ट आर लुब्रिकेट बाय स्प्लैश, इसमें दोनों पार्ट में स्प्लैश से हमारा लुब्रिकेशन होता है। फिर क्या कर रहा है कि दिस सिस्टम इज कॉम्बिनेशन स्प्लैश एंड प्रेशर, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो मेन कैम शाफ्ट बीरिंग आर लुब्रिकेटेड बाय ऑयल अंडर प्रेशर, जो हमारी कैम शाफ्ट होती है वो ऑयल अंडर प्रेशर से होती है, पंप बाय एन ऑयल पंप, और हमारा पंपिंग से पूरा लुब्रिकेशन होता रहता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तरीके से, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारा तो ड्राई सम्प लुब्रिकेशन। अब ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम का क्या होता है, ड्राई जो सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम है वह हमारी बहुत कॉस्टली होता है, और इसे हम रेसिंग कार है उसमें यूज करते हैं, क्योंकि इसकी जो इफिशियंसी होती है वह बहुत ही अच्छी होती है। देखो कैसे, अब ये ड्राई सम्प का मतलब क्या है, ड्राई सम्प का मतलब दोस्तों यहाँ इसलिए है क्योंकि जो हमारा ये सम्प बना हुआ है वो बहुत ही लोअर पोर्शन में बना हुआ था, बहुत छोटा ही बना होता है। जब भी हमारा ऑयल आता है ऑयल कूलर से, तो इसमें जैसे ही हमारा कनेक्ट होता है हमारा ऑयल सिस्टम, जिसको मैंने दिखाया था कि ऑयल रिड्यूस होता है इसमें, तो बहुत ही थोड़ा ऑयल होता है और वो पूरा क्या होता है, स्ट्रेन हो जाता है, ठीक है। इन दिस सिस्टम में सेपरेट स्टोरेज, एक हमारा स्टोरेज बना हुआ था, टैंक इज यूज आउटसाइड इंजन सिलेंडर ब्लॉक। तो इसमें हमारा ऑयल सम्प हुआ, ये हमारा ड्राई सम्प है, ड्राई सम्प इसलिए नाम दिया गया सिर्फ इसको क्योंकि जितना भी इसमें ऑयल आता है वो तुरंत हमारा क्या हो जाता है, पूरे सर्कुलेट हो जाता है और कूलिंग के लिए आगे प्रोसीड करता है। अब फिर देखते हैं इसका वर्किंग प्रोसेस कैसे वर्क करता है। ये हमारा क्या ड्राई सम्प है, ये हमारा स्ट्रेनर होता है। स्ट्रेन क्या करता है, स्ट्रेनर ऑयल को शुद्ध करेगा, जो भी अनवांटेड पार्टिकल है उसको हटा देगा और ये स्ट्रेन आगे बढ़ाता है। फिर क्या होता है, स्क्वेयरिंग पंप लगा होता है। स्क्वेयरिंग पंप यहाँ का वर्किंग प्रोसेस क्या होता है कि जो भी हमारे जैसे एग्जॉस्ट गैसेज हैं या ऑयल है उसको आगे बढ़ने नहीं देता, सिर्फ जितना हमें ऑयल को अच्छा ऑयल होता है, शुद्ध ऑयल होता है, वही हमारा आगे प्रोड्यूस करता है। फिर हमारे यहाँ लगा होता है फिल्टर, फिल्टर कैसे, फिल्टर भी यहाँ, हाँ फिल्टर लगा होता है जो ऑयल को फिर से अगर फिल्टर करता है, ठीक है, जो भी फिल्टर करेगा तो ऑयल हमारा क्या होगा, आगे जाएगा। यानी कि फिल्टर बाईपास प्रेशर रिलीफ वाल्व, ये हमारी प्रेशर रिलीफ वाल्व लगी है कि कितने प्रेशर से हमें इसको भेजना हुआ है। यहाँ एक हमारा पंप भी लगा होता है जो आगे ऑयल को क्या करता है, आगे पहुंचाता है, ठीक है, और जो भी रिमेनिंग हमारा होता है वो आगे फिर से आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। फिर ये क्या होता है, सप्लाई टैंक में जाता है। सप्लाई टैंक में जाने के बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है इसका,
ये हमारा ऑयल ऐसे प्रोड्यूस हुआ, ये हमारा होता है ऑयल सम्प लगा होता है, ऑयल पंप, ऑयल पंप गया, प्रेशर रिलीफ वाल्व। अब किस प्रेशर से ऑयल को भेजना है, वह ऑयल हमारा क्या होता है कूल में कूल हो जाता है क्योंकि प्रेशर रिलीफ वाल्व है, कितने प्रेशर से भेजना है, ऑयल हमारा कूल हो चुका है कंटिन्यू, और जो भी प्रोसेस हमें ठंडा करना होता है या फिर हमारी कूलिंग लुब्रिकेशन करनी होती है, क्योंकि लुब्रिकेशन हमारा कूलिंग में भी काम आता है, ठीक है, इसलिए मैंने कूलिंग का भी वर्ड यूज़ कर दिया, क्योंकि ऑयल हमारा क्या हो जाता है यहाँ से कूल हो जाता है, और लुब्रिकेशन हमें जिसमें करना होता है वो हमारा लुब्रिकेशन कंटिन्यू होता रहता है, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि लुब्रिकेशन ऑयल इज फेड इन टू द सप्लाई टैंक फ्रॉम सम्प इन ऑफ द फिल्टर, ऑयल ड्रिप इन, वही लिखा हुआ दोस्तों जो मैंने बताया हुआ है, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट है वो आता है मिस्ट लुब्रिकेशन स्टॉप। अब लुब मिस्ट लुब्रिकेशन क्या होता है, इसमें फिगर नहीं दिया हुआ फिर भी मैं एक फिगर आपको ड्रा करके बता देता हूँ। जैसा कि मिस्ट लुब्रिकेशन, मिस्ट लुब्रिकेशन का मतलब होता है धुंध। अब ये धुंध का मतलब कैसा हुआ, ये लुब्रिकेशन कैसे करेगा, सोचने की बात है, बट मैं बताता हूँ। जो मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम होता है वो हम टू स्ट्रोक इंजन में करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई सम्प नहीं होता, ऑयल और हमारा सम्प जो हमारा होता है वो दोनों क्या हो जाते हैं इसमें मिक्स होते हैं, और फिर हमारा क्या होता है इसमें कार्बोरेटर का वर्किंग क्या होता है, ये हमारा फ्यूल और जो भी हमारी एयर होती है वो मिक्स करता है, और हमारा जो सम्प होता है जो हमें ठंडा करना होता है वो इसी के साथ हम क्या करते हैं मिक्स कर देते हैं। देखो कैसे, सपोज दैट हमारा ये टू स्ट्रोक इंजन है, ये मैंने मान लिया टू स्ट्रोक है, ये हमारा ट्रांसफर पोर्ट है, ये हमारी क्या है एग्जास्ट पोर्ट है, ठीक है, ये हमारी क्या इनलेट पोर्ट है, क्योंकि इसमें पोर्ट होता है वाल्व नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा इंजन सिलेंडर पिस्टन है और इस तरीके क्रैंक से कनेक्ट हुआ है। तो जब ये इसका वर्किंग प्रोसेस कैसा होता है कि जब ये आगे बढ़ाता है, कहने का मतलब कोई सम्प नहीं है, इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हम लुब्रिकेशन यूज करते हैं वह इसी के साथ जो हम इनलेट पोर्ट है उसमें ऑयल प्लस एयर प्लस जो भी हमें लुब्रिकेशन है हमारा ऑयल ये फिर हम कहते हैं सम्प, उसको हम इसी के साथ यूज करते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि जब हमारा वर्किंग प्रोसेस चलता है तो हमारा सक्शन क्यूड हो गया, ऑयल एयर और हमारा जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो भी हमारा क्या होता है इसमें कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें कहते हैं फ्यूल ऑयल और एयर इसके अंदर आया। जब इसके अंदर आएगा तो क्या होगा, इसमें मॉइस्चर होते हैं थोड़े थोड़े, तो वो क्या होगा तुम्हारा प्रेशर जनरेट होगा इसमें, और हमारा क्या होता है टेम्परेचर भी जनरेट होगा। प्रेशर और टेम्परेचर जनरेट होता है इसमें, सक्शन क्रिएट हुआ, ये ऐसे ऐसे आया। जब ये आता है कंटिन्यू तो क्या होता है कि जो हमारा कार्बोरेटर रहता है वो क्या कवर करता है, फ्यूल और एयर को मिक्स करता है, और इसी के साथ क्या होता है ऑयल भी हमारा मिक्स हो जाता है। जब फ्यूल एयर और ऑयल हमारा मिक्स होता है तो ये जब जल जाता है, जो हमारा जो फ्यूल है जो हम ऑयल को यूज कर रहे हैं ऑयल को, वो हमारा क्या होता है इसमें जलने लगता है। जलने का मतलब क्या रहता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल और प्रेशर हुआ, टेम्परेचर हुआ, इंड्यूस होगा कार्बोरेटर में, तो वो वेपराइज फॉर्म हो जाता है, ठीक है, वेपराइज हो जाता है और हमारा जो ऑयल है वह मिस्ट बन जाता है, ठीक है। मिस्ट के रूप में इस पूरी जो परत होती है हमारी, जो हमारी परत होती है इसके साइड में पूरे पोर्ट के, और यहाँ भी साइड में पूरे सिलेंडर में, जब भी हमारी क्रैंक केस होती है, कैमशाफ्ट होती है, सारी परत में क्या हो जाता है ये एक तरीके से चिपक जाता है, ठीक है। तो हमारा जब मिस्ट जो है चिपक जाता है तो क्या करें लुब्रिकेटिंग ऑयल की लेयर बना लेता है, इस तरीके से इसमें हमारा लेयर कंटिन्यू यूज करता है। लेकिन इसमें नुकसान भी क्या होते हैं, ये हमारा स्पार्क प्लग हुआ, स्पार्क यहाँ इग्नाइट होगा तो जो हमारी ऑयल है वह भी हमारा क्या हो जाता है इसमें जल जाता है, फिर एग्जास्ट के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से हमारा मिस्ट लुब्रिकेशन वर्क करता है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये दोस्तों कंप्लीट स्टडी हो गया हमारा लेसन 5 का। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें।